अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमजान मुबारक सबको। खैर मुबारक सर। हम लोगों ने डीसी सर्किट का चैप्टर पूरा किया था और मैंने आपको क्वेश्चन असाइन किए थे। आज वो क्वेश्चन जो है वो जितने हो सकते हैं सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट है और फिर हम ये करेंगे कि अगली क्लास में प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट वेट कर रहे हैं। All right. So without wasting any time, let's just begin. ठीक है, we'll solve all the questions in a particular order. और start करें। So पहला question जो है वो May 2007 paper 2 question 7 है और इसमें आपको एक circuit दिया हुआ है। उसके अंदर 4 resistors लगे हुए हैं, एक ammeter लगा हुआ है, battery लगी हुई है। ये दोनों resistors parallel में हैं, ये दोनों series में हैं और ये पूरी branch parallel में है आपस में एक दूसरे के। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 and 4। आप यहाँ 1/2 प्लस 1/4 और उसका इन्वर्स भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 × 4/2 + 4 ये भी कर सकते हो। 2 × 4 होता है 8, 2 + 4 होता है 6, 8/6। सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेटर में मैं डाल देता हूँ क्या आता है। मैंने अपना आंसर हमेशा डेसिमल में लिखना होता है, 1.33 आ रहा है। यूनिट लिखना कभी भी नहीं भूला करो बेटा, ओ लेवल्स में यूनिट नहीं दिया हुआ था, आपको यूनिट खुद लिखना होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आपने लिखना है लाजमी। बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने अभी ओ लेवल्स के पेपर्स अपने स्कूल में चेक किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत सारे मार्क्स आपके कट जाएंगे इस वजह से, ठीक है। 3 और 6 का अब आपने निकालना है। ओ गलती कर दी यार, गलती कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। 2 और 4 तो सीरीज में लगे हुए हैं, 2 और 4 तो सीरीज में लगे हुए, तो उसको 2 + 4 करना है और ये हो जाएगा 6 ohms। 3 और 6 का ऐसे निकालेंगे, 3 × 6/3 + 6, सो 18/9, 2 ohms आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग ऑन द एमीटर निकालेंगे। अब रीडिंग ऑन द एमीटर जो है वो यहाँ पे जो करंट पास करेगा, इसने इसको कैलकुलेट करना है। तो एसेंशियली इस ऊपर वाली ब्रांच में टोटल करंट क्या जा रहा है, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए हम करंट जब निकालेंगे तो हम बोलेंगे करंट तो होता है V/R। V कौन सा होगा, जो ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस PD होगा। सो पूरा PD बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट PD, इस ब्रांच इज 12 volts। और इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, जो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला है 2, तो क्या हो जाएगा 12/2, 2 करंट का यूनिट एम्पियर्स, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ohm रेजिस्टर, गुड क्वेश्चन। तो आपने PD निकालना है सर, करंट 6 नहीं है जी, करंट 6 नहीं है 6, ओ सॉरी गलती कर दी, सिंपल मैथमेटिकल मिस्टेक, एनीवेज 6 एम्पीयर आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर, सो यहां मैंने एरो बनाया, V हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ इसके अक्रॉस PD। नाउ व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, इसके अंदर हम दो तरीकों से सोच सकते हैं बात को। हम ये कह सकते हैं कि यार पूरे ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 volts। ये दोनों आपस में शेयर करेंगे क्योंकि ये सीरीज में, ज्यादा शेयर किसको मिलेगा, इसको ज्यादा शेयर मिलेगा। कितना ज्यादा शेयर मिलेगा, 2:1 के रेशियो में ज्यादा शेयर मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको 8 volts मिलेंगे और इसको 2 volts मिलेंगे इसके अक्रॉस। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं अपना, हम यहाँ पे अगर 8 volts लिख दें तो हमारे पास कोई मसला नहीं, इट्स फाइन, बट इट्स बेटर कि आप वर्किंग शो कर दो। तो आप वर्किंग शो करने का जो है वो तरीका ये भी है कि आप रेशियोज के थ्रू लिख के बता दो, रेशियोज लिख के बता दो। आप बोलो यार कि क्या नाम है, व्हाट अबाउट पॉजिट 4:2 और इसलिए जो है वो हमारा जो वोल्टेज का रेशियो है वो 8:4 का आएगा और 8 + 4 जो होता है वो 12 volts के बराबर होता है, ठीक है। सो यू कैन शो दिस वर्किंग, बट एज लॉन्ग एज द आंसर इज करेक्ट इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। अब इसका इसको करने का एक लंबा तरीका भी है, हम हाँ रेशियो वोल्टेजेस के लिए जो रेशियो आप यूज करते हैं बेटा वो सीरीज में यूज करते हैं हम ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब इसको करने का एक लंबा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो निकालो। अब ये जो करंट निकालोगे I, वो होता है V/R, ठीक है। अब ये जो करंट है
ये सिर्फ इसका रेजिस्टेंस या इसका रेजिस्टेंस डाल के नहीं आएगा, बल्कि इस पूरी ब्रांच का कंबाइंड रेजिस्टेंस डाल के आएगा, जो कि कितना था, सॉरी हाँ, तो रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम्स इस ब्रांच का, और इस ब्रांच के अक्रॉस टोटल जो वोल्टेज है वो 12 है, तो मेरे पास 2 एम्पेयर्स का करंट आ रहा है इस ब्रांच का. नाउ 2 एम्पेयर्स इज द करंट दैट विल पास थ्रू दिस एंड एज वेल एज दिस. अब इसका जब मैंने वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल्स टू आई आर से मैं निकाल सकता हूँ. आई नो दैट द करंट पासिंग थ्रू हेयर इज 2 एम्पेयर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज 4, सो 2 × 4 = 8 वोल्ट. इस तरह भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ. दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड करेक्ट. ठीक है, बल्कि ये ज्यादा प्रॉपर मेथड है करने का. बट यस, इसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है सीरीज और पैरेलल के, करंट और वोल्टेज के, वो बहुत ईजिली बच्चे कन्फ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए ये मेथड जो है इसमें करने में गलती का चांस ज्यादा होता है. सो अगर रेशियो मेथड लगा सकते हो तो लगाओ. ओके, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 बल्ब्स लगे हुए हैं, उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई है. कह रहे हैं हमें सर्किट को कंप्लीट करना है बाय एडिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. ठीक है, ऐसा कंपोनेंट ऐड करें जिससे टोटल करंट मेजर हो जाए. अब वो टोटल करंट आप किस चीज से मेजर करते हो, एमीटर से मेजर करते हो, और टोटल करंट मेजर करना है तो बिल्कुल बैटरी के साथ लगा दो, पावर सप्लाई के साथ. लैंप ए हमेशा ऑन रहे, लैंप बी और सी जो है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में हो. अब अगर लैंप बी और सी को एक दूसरे के साथ सीरीज में रखना है तो आपको यू लाइन बनानी पड़ेगी. लैंप बी और सी एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे तो इनको ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एक दूसरे के साथ सीरीज में हो गए और ये साथ ऑन और ऑफ कर सके. लैंप ए को अलग से कनेक्शन चाहिए. राइट, एक सेकंड रुको, जरा इसको कर्व करने के बजाय यूं बना देते हैं. और अब लैंप ए हमेशा ऑन रहेगा, इसमें आपको कोई स्विच लगाने की जरूरत ही नहीं है. अब जो पैरेलल ब्रांच है वो आप यहां से यू कनेक्ट कर दो. अब दिस माइट लुक कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट यू हैव टू रियलाइज यार ये ऊपर या नीचे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ तो एक है ना करंट का. दिस इज अ सिंगल पाथ, सो दे आर अलोंग द सेम ब्रांच. इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊं इसका, तो ये इस तरह बनेगा सर्किट. अगर ये बी और सी ऐसे बने हुए होते तो आप एक मिनट में बना लेते. लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने बी और सी को ऐसे ऊपर और नीचे करके बनाया है. अब ये ए है, ये बी है और ये सी है, लेकिन अब वो बी और सी की ब्रांच ऐसे जा रही हो या ऐसे जा रही हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ओके. अब आपने जब सर्किट बना लिया उसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस भी करनी है. तो ऑल लैंप्स आर ऑन, इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर लो, सारे लैंप्स ऑन है. पीडी अक्रॉस लैंप बी इज 8 वोल्ट्स, करंट इन लैंप बी इज 50 मिली एम्पेयर्स. मिली एम्पेयर्स को एम्पेयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 1000. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो बी का रेजिस्टेंस निकालना है तो वो तो सिंपली वी अपॉन आई हो जाएगा. तो ये 8 है और 50 मिली एम्पीयर्स को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.050 बन जाता है. सो 8 डिवाइडेड बाय 0.050 क्या हो गया, 160 ओम्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ बी. स्टेट द करंट इन लैंप सी, स्टेट द करंट इन लैंप सी, क्या जवाब होगा? यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन फॉर दिस व्हाटसोएवर. आपको पता है कि बी में करंट कितना जा रहा है, 50 मिली एम्पीयर्स. सी में कितना करंट जाएगा, 50 मिली एम्पीयर. सेम एज दैट, 50 मिली एम्पीयर्स, बिकॉज दे आर इन सीरीज सो दे विल हैव द सेम करंट. तो यहाँ पर 50 मिली एम्पीयर्स या 0.050 एम्पीयर्स लिख दो, एक ही बात है. ओके, दिस क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसको देख लेते हैं. इसमें पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, लेकिन साथ में एक और अलग से भी रेजिस्टर लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था. एनीवेज, तो 18 वोल्ट की बैटरी है, एक फिक्स्ड रेजिस्टर आर लगा हुआ है और एक लैंप है जिसकी रेटिंग दी हुई है. लैंप इज मार्क्ड दिस वैल्यूज. नाउ आई टोल्ड यू कि रेटिंग का मतलब क्या होता है. रेटिंग का मतलब होता है कि इस लैंप को अगर सही वर्क करना है तो इसे 12 वोल्ट्स मिलने चाहिए और उसमें से इतना करंट पास करना चाहिए, तो ये लैंप नॉर्मल ब्राइटनेस पे काम करेगा. द सर्किट इज प्रोड्यूस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द फिलामेंट लैंप. तो करंट वोल्टेज ग्राफ बना रहे फिलामेंट लैंप के लिए,
मतलब इस कांटेक्ट को आप स्लाइड करेंगे, उससे लैंप के अक्रॉस वी चेंज होगा, वी चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा, और वी और आई का लैंप के लिए ग्राफ बन जाएगा और आई वी ग्राफ हम बना सकेंगे लैंप का। ड्रॉ द सिंबल्स फॉर एन एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द करेक्ट पोजीशंस। आपको लैंप का वी आई ग्राफ बनाना है, तो लैंप के अंदर करंट फाइंड आउट करना है, तो लैंप के साथ सीरीज में एक एमीटर होना जरूरी है, और लैंप के अक्रॉस वोल्टमीटर मेजर करना है, तो लैंप के साथ पैरेलल में एक वोल्टमीटर होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। लैंप के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया, सीरीज में एमीटर लगाया, क्योंकि लैंप के लिए बनाना है मुझे। Why is it sensible to include a resistor R? ये अलग से resistor R क्यों include किया है? बेटा अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो करंट की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, और करंट की वैल्यू बहुत हाई हो जाए तो बैटरी और वायर्स वगैरह ओवर हीट हो जाती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जगह जगह पर रिपीट होगा, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में भी इस बात को हम दोबारा से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो होता यह है कि अगर ये वाला रेजिस्टर ना हो तो फिर ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का बहुत लो हो जाएगा, स्पेशली अगर ये मूवेबल कॉन्टैक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ताकि बैटरी में से बहुत ज्यादा करंट ना पास करे और बैटरी ओवरहीट ना हो जाए, इसलिए हम एक अलग से रेजिस्टर हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेवर टू small and the battery does not heat due to excessive current. All right. अब वो कह रहे हैं कि ये लैंप है, लैंप का क्या आप ग्राफ बना के दे सकते हैं? अब लैंप का ग्राफ कैसा बनता है, करंट वोल्टेज ग्राफ, उसकी शेप हम पढ़ चुके हैं। इज इट अ स्ट्रेट लाइन और इज इट अ कर्व? लैंप का आईवी ग्राफ पढ़ चुके हैं, क्या बनता है, कर्व बनता है या स्ट्रेट लाइन बनती है? कर्व बनता है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला। लेकिन ये बात याद रखो कि लैंप की जो पावर, ये जो रेटिंग है, ये वैल्यूज तो हमेशा ही होंगी। तो जब 12 वोल्ट का वोल्टेज होगा तो करंट तो 0.25 एम्पीयर ही होगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का आप कोऑर्डिनेट तो अभी से बना दोगे, ये कोऑर्डिनेट तो मार्क हो जाएगा, फिर आप इस तरह करके कर्व बना दो। अब इसको जितना ज्यादा कर्वेचर देना है थोड़ा सा यूं दे दो, लेकिन नीचे मत लेके जाना कर्व को, किसी भी पॉइंट पर शुड ऑलवेज बी गोइंग अप, बस उसका ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या होगा, स्टेट एन एक्सप्रेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टर डिफर्स। अगर हम करंट वोल्टेज ग्राफ बनाए एक फिक्स्ड रेजिस्टर का, तो इसका ग्राफ कैसे डिफरेंट होगा? रेजिस्टर का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और उसको एक्सप्लेन भी करना है, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। जबकि लैंप के साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक मिनट आमना, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आमना आप क्या पूछ रही हो? सर इसका स्ट्रेट एंड देन कर्व नहीं बनता? आई मीन यू कैन ड्रॉ स्लाइटली स्ट्रेट लाइन, बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इतना ज्यादा मसला नहीं बनेगा। सो आप ऐसे करके अगर बाद में थोड़ा सा कर्व बना लोगे, वो स्ट्रेट बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहता है, डजंट रियली मैटर दैट मच। कहीं कहीं पे यूं बना हुआ होता है और कभी कभार जो बस शुरू से कर्व बना हुआ होता है, सो इट्स फाइन। ओके, तो बात समझ में आ गई कि फिक्स रेजिस्टर का स्ट्रेट बनेगा, लेकिन क्यों बनेगा ये भी बताना है। आप अपने अपने कमांड वर्ड्स को, नंबर ऑफ मार्क्स को हमेशा देखा करो। अगर सिर्फ इतनी सी बात लिख दोगे तो 1 मार्क मिलेगा, इसको एक्सप्लेन भी करना है, कमांड वर्ड में मेंशन है, और 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके जी, नाउ फिगर 11.3 शोज द पोजीशन ऑफ अ मूवेबल कॉन्टैक्ट विद वोल्टेज। ओके, एंड द करंट, the voltage across the lamp is 12 volts and the current in the lamp is 0.25. तो इन्होंने बता दी कि यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है।
यहाँ पर 0.25 एम्पेयर पास कर रहा है, और इसके अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस पीडी कितना है, 12 वोल्ट। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि 50 ओम्स जो इसके साथ पैरेलल में, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। कैलकुलेट द करंट इन द 50 ओम रेजिस्टर। सो अब नाउ वी कैन डू दिस लाइक दिस। अब इसमें जब करंट निकालते हैं, आपको पता है कि फॉर्मूला वी अपॉन आर है, बट मिस्टेक क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे 18 ले लेंगे। 18 इज नॉट द पीडी अक्रॉस द 50 ओम रेजिस्टर, इट इज 12, और उसका रेजिस्टेंस 50 है, तो 12 अपॉन 50 क्या आएगा, 0.24 एम्पेयर। तो यहां पे जो करंट जा रहा है वो 0.24 एम्पेयर जाएगा। 12 हाउ बेटा, देखो लैंप के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लैंप, 12 है ना। लैंप और 50 ओम का रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ये देखो दे कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब दो चीजें पैरेलल में होती हैं तो उनके अक्रॉस पीडी बराबर होता है, यही पढ़ा ना हमने। ये मूवेबल कॉन्टैक्ट ऑल द वे इधर पुश करती है, अगर ये मूवेबल कॉन्टैक्ट कहीं इधर होता या इधर होता तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 नहीं होता बल्कि उससे थोड़ा कम होता। अगर मूवेबल कॉन्टैक्ट यहाँ पे होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, अगर मूवेबल कॉन्टैक्ट बिल्कुल बीच में होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 6 वोल्ट्स, यहाँ पे होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया 12 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस तो 12 ही फिक्स रहेगा क्योंकि वो आर और 50 आपस में शेयर कर रहे हैं हमने वोल्टेज। यस 18 जो है वो ये दोनों शेयर कर रहे हैं, और इसको जो शेयर मिलेगा उसमें से इसको कितना शेयर मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द मूवेबल कॉन्टैक्ट एज वी स्टडीड इन द पोटेंशियोमीटर एग्जाम्पल। ठीक है, करंट इन रेजिस्टर आर मांग रहे हैं, अब रेजिस्टर आर में से कितना करंट पास करेगा, लैंप में कितना करंट जा रहा है, 6 वोल्ट्स। नहीं बेटा आपसे करंट पूछ रहे हैं, करंट पूछ रहे हैं, आप वोल्टेज बता रहे हो, सवाल तो देखो और से पढ़ो। 6 वोल्ट्स आपने वोल्टेज बताया जो कि सही बताया, पर आपसे पूछा गया करंट, करंट कैसे बताएंगे, लैंप में गया 0.25 और यहाँ पे गया 0.24, ये यहाँ जाके करंट कंबाइन हो जाएगा ना, यहाँ से और यहाँ से करंट कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे, 0.49 दोनों को प्लस कर दिया। राइट, पीडी अक्रॉस आर, अब ये जो है इसको आप आंसर एक 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 ही दफा में डायरेक्ट लिख दो, 6 वोल्ट्स, यू नो दिस, ये ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ आर, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, हमें पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 है, उसके अंदर जो करंट पास कर रहा है वो 0.49 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, देखो फॉर्मूला तो बार बार यही रिपीट होता है, ये फॉर्मूला बार बार सेम रिपीट हो रहे हैं। मेन चैलेंज इसके यहाँ और यहाँ जो वैल्यू डाली जाए वो कौन सी डाली जाए, और यही बच्चे जो है वो गलतियाँ करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ आर का, तो आई शुड ओनली टेक द वोल्टेज दैट इज अक्रॉस दैट रेजिस्टर एंड द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दैट रेजिस्टर। So, कितना आ गया, ऑलमोस्ट 12.2 ओम्स, यूनिट नहीं भूल ली। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं दो क्वेश्चन और करते हैं, मुझे रोजा बहुत लग गया आज, असल में दूसरी तीसरी क्लास में ले रहा हूँ बैक टू बैक, बट लेट्स सी क्वेश्चन 4-5 तक तो करते हैं, एटलीस्ट 5 तक तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शोज रेजिस्टर एंड अ पावर सप्लाई एंड 6 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है, एक लैम्प एल लगा हुआ है, कह रहे हैं रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 60 ओम्स है, लैम्प को मार्क किया हुआ है 6 वोल्ट्स और 0.9 वोल्ट्स, उसकी मार्किंग है, कभी मार्क हुआ होता है करंट और वोल्टेज की टर्म्स में, कभी मार्क होता है वोल्टेज और पावर की टर्म्स में। अब कह रहे हैं करंट इन द रेजिस्टर निकाल दो, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पीडी कितना है, करंट होता है V अपॉन आई, राइट, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इन दिस क्वेश्चन, क्या डालूं V की जगह पे, 6 वोल्ट्स, और R तो ऑब्वियसली 60 है, तो कितना आ गया, 0.10 एम्पीयर। देन करंट इन द पावर सप्लाई, अब पावर सप्लाई में जब करंट मांग रहे हैं, देखो आपने अभी ये वाला करंट निकाला है 0.1 एम्पीयर, ये वाला करंट मांग रहे हैं आपसे, ये कैसे निकालोगे, पावर सप्लाई में जो करंट मांग रहे हैं उसके लिए आपको टोटल करंट निकालना है, और टोटल करंट आप तभी निकाल सकते हो जब आपको इसका भी करंट पता हो। बल्ब को कितना करंट मिलेगा, यू विल हैव टू यूज दिस टू फाइंड आउट, बल्ब को वोल्टेज कितना मिल रहा है, बल्ब को भी वोल्टेज 6 वोल्ट्स मिल रहा है, बल्ब की पावर कितनी है,
0.9 वॉट्स, तो कैन आई यूज पी इज इक्वल टू वी आई टू फाइंड आउट कि बल्ब को करंट कितना मिलेगा? तो ये बल्ब का करंट है, इसके साथ में पी लिख देता हूँ। पावर है 0.90 और वोल्टेज है 6.0, ये कितना आएगा? 0.15 एम्पीयर्स। तो अगर यहाँ करंट जाएगा 0.15 एम्पीयर्स, तो ये टोटल करंट क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ऑल राइट आगे चले। A second lamp is added to the circuit. Okay, a second lamp is added to the circuit. The second lamp is in series with the 60 ohm resistor, but not in series with the lamp. तो कहाँ बनाऊँ? इस सर्किट के अंदर कह रहे हैं एक और लैंप ऐड करना है। इस लैंप को कहाँ रखा जाए? सवाल क्या है? कह रहे हैं कि सीरीज है विद द 60 ओम रेजिस्टर बट नॉट इन सीरीज विद द लैंप एम्प। सो इसको मैं कहाँ लगाऊं? अगर इसको मैं उठा के मूव करूं तो यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहाँ लगाऊं? इस ब्रांच पे आना चाहिए ना विद द रेजिस्टर, यहाँ पे आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। इस सर्किट के अंदर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आप लैंप बना दो अपना नया वाला, और उसके बाद आपका सर्किट एज इट इज वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया सर्किट। द टू लैंप्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है? उनका सेम रेजिस्टेंस है, सेम पावर रेटिंग है, उनको वोल्टेज भी उतना ही मिलना चाहिए। कह रहे हैं सेकंड लैंप डिम आ रहा है, ये वाला लैंप जो है वो थोड़ा डिम चलेगा, ये वाला लैंप नॉर्मली काम कर रहा है। सो व्हाई इज इट डिम? अब पावर सप्लाई कितने वोल्ट्स की थी, याद है? 6 वोल्ट्स की, 6 वोल्ट्स की पावर सप्लाई थी। जो लैंप नॉर्मल काम कर रहा है उसको कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं? 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स मिल रहे हैं, और उसके ऊपर मार्किंग भी हुई थी 6 वोल्ट्स की, मतलब अपने फुल पावर पे काम करेगा, ये नॉर्मल ब्राइटनेस पे चलेगा। बट जो दूसरा वाला लैंप है जिसके आगे मैंने डिम लिखा हुआ है, उसको 6 वोल्ट से ज्यादा मिलेंगे या 6 वोल्ट्स मिलेंगे या 6 वोल्ट से कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। यस, बिकॉज इट हैज टू शेयर इट विद द रेजिस्टर। सो बताएंगे, इट विल शेयर पीडी विद द रेजिस्टर, so PD across it is less than 6 volts. ठीक, right. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो भाई। सो व्हाट यू हैव इज टू रेजिस्टर्स, वन इज अ फिक्स्ड रेजिस्टर ऑफ 1000 ओम, द अदर वन इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई बी इन द बैटरी। बैटरी में जो करंट होगा आई बी, वो ये वाला होगा, करंट आई वन इन द फिक्स्ड रेजिस्टर, मतलब यहां से जो करंट पास करेगा वो आई वन होगा, और करंट आई टू इन द अदर रेजिस्टर। सो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? कैन यू राइट एन इक्वेशन और कैन यू जस्ट से अ सिंपल सेंटेंस टू से व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आई बी, आई वन एंड आई टू? I1 and I2 are the same. And? IB is also the same. सबका same होगा. They're all the same, obviously. अगर ये 6 amperes है, let's suppose, तो 6 amperes यहाँ से भी गुजरेगा, 6 amperes यहाँ से भी गुजरेगा, हर point पे, ये सब कुछ series में, everything is in series, so current हर जगह same होगा. Can I write IB equals I1 equals I2? Or I can say they're all equal. स्टेट द इक्वेशन। अब आपसे वो कह रहे हैं इक्वेशन लिखे दैट रिलेट्स पोटेंशियल डिफरेंस वी बी अक्रॉस द बैटरी, वी वन अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर एंड वी टू अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर। सो अब रेजिस्टर वोल्टेज के बारे में हम रिलेशनशिप सीरीज में पढ़ चुके हैं, इनका क्या रिलेशनशिप होगा? V1, V2 or VB? V1 plus V2 is equal to VB.
V1 plus V2 is equals to VB, which is essentially VB क्या बैटरी का EMF ही है एक तरह से. गुड, बिल्कुल सही है. PD across the battery is 9 volts. So what they're saying is कि ये 9 volts की बैटरी है, ये 9 volts की बैटरी है. इसका R का रेजिस्टेंस जो है वो 500 पे सेट कर दिया है. ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर. आर कैसे कैलकुलेट होता है? वी अपॉन आई से कैलकुलेट होता है. अब हम ये देखते हैं कि हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. तो एक करंट करना है, कैलकुलेट द करंट इन आर निकालना है. ओके, सो आई को निकालते हैं यार, सॉरी. आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. सो व्हाट इज द पीडी अक्रॉस आर? वी डोंट नो येट, और डू वी? आई थिंक हमें पता है. क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है. बैटरी का वोल्टेज उन्होंने बताया 9 है. क्या अब आप मुझे ये वाले वोल्टेजेस दोनों बता सकते हो, ये और ये क्या होंगे? ये आप डायरेक्टली बता सकते हो, आपको इतनी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी कि आप ये वाले डायरेक्टली बता सको. सो V1 और V2 की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो बाय लुकिंग एट देयर रेजिस्टेंसेस. 1000 और 500 है, तो 9 को वो कैसे शेयर करेंगे? उनका शेयर डिसाइड करो. 2:1 का ही रेशियो है ना, तो 9 को 2:1 के रेशियो में स्प्लिट करो. Two numbers that will add up to 9, V1 क्या हो जाएगा? 6 volts. और ये कितना हो गया? 3 volts. Exactly. So what happens now? हमें कौन सा वाला voltage use करना है? 6 या 3 या 9? 3. क्योंकि हमें current निकालना है through the resistance R. लेकिन अब एक और बात बताता हूँ इसके बाद, एक मजे की बात बताता हूँ. इस question को करने का इससे भी आसान तरीका था. ये 6 और 3 वाली चीज हमें करने की जरूरत ही ना पड़ती. और R किसका यूज होगा? रेजिस्टर R का. सो 3/500. आंसर क्या आता है? -3 मतलब क्या कह सकता हूँ? 0.006 एम्पीयर्स है. ओके, नाउ देयर वाज अनदर इजीियर वे टू डू दिस. भाई मुझे ये वाला वोल्टेज अगर यूज करना है पूरा 9 वोल्ट, सो दैट इज द होल वोल्टेज अक्रॉस बोथ रेजिस्टर्स. अगर मैं दोनों का रेजिस्टेंस यूज कर लूं, 1000 प्लस 500, 1500, तो मुझे करंट ये वाला मिल जाएगा, टोटल वाला करंट. बट आई नो कि करंट इस पूरे सर्किट में हर जगह सेम ही है. तो अगर मैं ये कर लेता, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर करके, मैं यहाँ पे इधर मैंने क्या किया था, मैंने वी टू यूज किया था और R का रेजिस्टेंस जो 500 है वो यूज किया था. अब मैं क्या यूज करने लगा हूँ? मैं VB यूज करने लगा हूँ, जो कि 9 वोल्ट है, पूरा जो वोल्टेज है. और रेजिस्टेंस भी पूरा वाला डालूंगा, टोटल रेजिस्टेंस जो कि 1500 होगा. इससे भी एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, 0.006 एम्पीयर्स, बिकॉज व्हाट वी आर एसेंशियली फाइंडिंग इज द टोटल करंट, बट इट इज द सेम एज I1 एंड I2. तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, राइट? अच्छा यार, अभी काम करते हैं. क्वेश्चंस तो और भी इंटरेस्टिंग हैं, बट आई थिंक इसको अपनी प्रैक्टिस पे रखो. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आई हैव अपलोडेड दिस समवेयर ऑन माय यूट्यूब बिफोर. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. मुझे लग रहा है कि मैंने किए हुए अपलोड. एक सेकंड चेक कर ले जरा. मतलब फिर पुरानी बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ. आई अपलोडेड दिस वंस फॉर माय ओन स्टूडेंट्स. आई थिंक इट इज देयर. लेट मी जस्ट सर्च इट. नहीं, अच्छा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है आई थिंक. हाँ, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास पर्स हैं जो मैंने किए हुए हैं, डीसी सर्किट्स के नहीं किए हुए. बट एनीवेज प्लीज ट्राई देम. अभी हम क्लास यहाँ पे रुकते हैं, मेरी हिम्मत बिल्कुल एंड हो रही है. और अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि इनको कंटिन्यू कर लेंगे. और अगर आप लोगों को इसमें ज़्यादा मुश्किल ना हो रही हो, ये मुझे बता देना, मैं आप लोगों से पूछ लूँगा. अभी भी इनको ट्राई करो और फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं. बट आई थिंक वी शुड डू दिस फर्स्ट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इतने आसान है नहीं. तो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी भी हमने करना है. हो सकता है मैं बीच में कहीं संडे को एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी रखूँ, बिकॉज सिलेबस टाइम पर कम्प्लीट करना है मुझे. और आज रात को पास पेपर सेशन भी है,
तो उसके लिए मैं आपको अलग से लिंक इसी ग्रुप पे ही दे दूंगा, टाइम से ज्वाइन कर लेना और उस पेपर को अटेम्प्ट करके रख लो पहले से। एवरीवन शुड बी डूइंग ईयरलीज नाउ साइड बाय साइड। तो दो दो जो मैं करवा रहा हूँ पर वीक, एटलीस्ट ये तो अभी करो ना साथ साथ रमजान में, पर बाद में जाके और प्रैक्टिस कर लेना। तो इनशाला रात को हम दोबारा एक क्लास रखेंगे जिसमें ईयरली मैं करवाऊंगा, ठीक है? चले जी, सी यू देन, अल्लाह हाफिज। रात को अल्लाह 11 बजे हाफिज सर। पेपर मैंने बता दिया कौन सा वाला है। अल्लाह हाफिज।